एम कॉम प्रीवियस एडीसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम मेजरमेंट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क का पार्ट वन देख चुके हैं, ए देख चुके हैं, वन ए, और आज हम पार्ट वन भी देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि किस प्रकार से हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद में इन्वेस्टर को उसके बदले में रिटर्न मिलता है और कितनी उसकी रिस्क होती है। रिटर्न और रिस्क हमने जो है इसमें कवर किया कि रिटर्न जो है उसको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है तथा साथ ही जो है उसकी रिस्क भी होती है कि भाई जोखिम से सुरक्षा उसको मिलती है। तो दोनों फैक्टर्स को जो है साथ साथ उसमें देखा जाता है। अगर आपकी रिस्क ज़्यादा है तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिल सकता है। तो ये दोनों आपस में साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि कंपनी जो है उसका रिटर्न प्रत्यय की जो जोखिम की रेट है किस प्रकार से उसको जो है मीनिंग ऑफ प्रत्यय क्या होता है ना, रिटर्न क्या होता है। तो ये जो होता है मीनिंग ऑफ रिटर्न जो है ये है कि ये प्रत्यय जो है कभी उसके जो है इसको जो है रिटर्न को हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। और किसी भी निवेश को बनाए रखने के लिए आपके पास में सबसे पहले कंपनी को लाभ होना आवश्यक है। अगर लाभ नहीं होगी तो आप किसी को रिटर्न नहीं दे पाएंगे इन्वेस्टर्स को। तो कंपनी के लाभ पर जो है उसका रिटर्न डिपेंड करता है और कंपनी इसके भरोसे ही आगे बढ़ती है और विनियोगकर्ता को अधिकतम उपयोगिता बढ़ती है उसकी और उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ रिटर्न बढ़ने से उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप आता है। अब ये देखते हैं हम कि कंपोनेंट्स ऑफ रिटर्न क्या है ना। प्रत्यय आय की कीमत में प्रत्यय आय में कीमत परिवर्तन को जोड़ के मापा जाता है ना। अगर आप रिटर्न जाएंगे तो वो कैसे जानेंगे आप कि उसकी जो आय हो रही है उसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं, यानी थोड़े समय बाद अब एक बार आपको मिल गया रिटर्न, उसके बाद अगली बार कितना मिल रहा है, अगली बार कितना मिल रहा है, तो उसमें किस प्रकार से कीमत में परिवर्तन हो रहा है उसको जोड़ते हुए जाते हैं आप, तो ये उसका रिटर्न होता है। आय जो होती है लाभांश या ब्याज के रूप में होती है और प्रतिभूति के मूल्य में परिवर्तन से पूंजी लाभ या उसको हानि हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है कैपिटल गेन वाली बात जो हमने समझी और लाभांश और ब्याज के रूप में जो उसे आय होती है, कई बार सिक्योरिटीज़ पर डिविडेंड मिलता है आपको, कुछ सिक्योरिटीज़ पर आपको जो है इंटरेस्ट के रूप में आय हो सकती है, तो ये उसका रिटर्न कहलाता है ना। अब ये जो स्थिर आय दो तरह की प्रतिभूतियाँ होती है, एक वेरिएबल वाली और रिटर्न वाली होती है और एक जो होती है जिस पर फिक्स रिटर्न मिलता है। दोनों तरह की प्रतिभूतियों पर अलग अलग आपको जो है यील्ड उपज यानी कि उस पर आपको जो लाभ हुआ है उसका उसको कहा जाता है। तब एक उदाहरण इसने इसमें दिया है कि जैसे मान लीजिए कि राम है, उसके पास 95 रुपये का उसने एक बॉन्ड खरीदा है, ठीक है, और उस बॉन्ड पे लिखा हुआ है 12.5%। दैट मीन्स 12.5% उसकी कूपन दर है कि फिक्स हो गया कि भाई अंकित मूल्य 100 रुपये है और उस पर 95 रुपये की उसकी परचेज प्राइस थी और उस पर उसको 12.5% का रिटर्न मिलने वाला है। अब आपने 95 रुपये लगाए हैं, ठीक है तो 100 रुपये की चीज, लेकिन आपने 95 रुपये उसमें इन्वेस्ट किए, उस पर आपको एक वर्ष में कितना रिटर्न मिलने वाला है, 12.5%। तो ये जो है इसकी उपज की गणना कैसे की जाएगी, यील्ड का कैलकुलेशन होगा रेट ऑफ रिटर्न अपॉन जो है आपकी परचेस प्राइस। तो ये होगा रेट ऑफ रिटर्न आपकी 12.5 है और अपन जो है परचेस प्राइस है, तो उसका डिफरेंस आ गया आपका 13.15 आपका जो है यील्ड आपने कमाया, क्योंकि रेट तो 12.5 थी लेकिन आपने 95 पर कमाया इसलिए वो रेट जो है आपकी बढ़ गई। भैया अब 12.5 तो 100 पर है नेचुरली, हम अपने 95 पर निकाल रहे हैं तो वो आपकी रेट बढ़ गई। इस प्रकार से क्या होता है कि रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न जो होती है वो उसके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा होती है ना, कम हो सकती है, अलग हो सकती है कि आपने सोचा कितना और आपको रिटर्न कितना मिला, तो उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। तो प्रत्यय में परिवर्तन एक जोखिम तत्व के कारण हो सकता है कि किस प्रकार से आपकी जोखिम आप कितनी कवर आपकी बिजनेस में हो रही है, रिस्क कितनी कवर कर रहे हैं आप, और उसका रिटर्न मेजरमेंट जो होता है वो भी आपको जो है उसमें देखना होता है कि रिटर्न का मेजरमेंट क्या है, ठीक है। इस प्रकार से एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो रियलाइज रिटर्न से अलग होती है और चेंजेस इन रिटर्न जो होता है इज ड्यू टू रिस्क फैक्टर, आपका रिस्क फैक्टर है उसके कारण से आपके जो है रिटर्न में चेंज होता है। मैंने आपको बताया कि रिटर्न अगर आपकी रिस्क ज़्यादा है तो आपका रिटर्न भी ज़्यादा होता है, यानी रिस्क फैक्टर से वो दोनों कनेक्टेड होते हैं आपका रिटर्न भी, ठीक है। अब आपको ये कहा गया कि इसमें कि ना रिटर्न मेजरमेंट अगर हमें करना है उसका रिटर्न का मेजरमेंट उसकी कैलकुलेशन करनी है तो वो दो तरह की प्रतिभूति पर होगी, जो मैंने आपको अभी बताया ही था, वेरिएबल वाली हो सकती है और फिक्स वाली हो सकती है। तो अब इसका फॉर्मूला इन्होंने बताया कि टोटल रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, जो आपको इनकम रिसीव हो रही है प्लस प्राइस चेंजेस अपॉन परचेज प्राइस ऑफ एसेट, उनका लिंक देखेंगे आप तो आपको टोटल रिटर्न पता लग जाएगा कितना है। इसके अगले वाले में हम समझेंगे कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करके किस प्रकार से आप रिटर्न की कैलकुलेशन करते हैं टोटल रिटर्न की ना। नॉर्मल रिटर्न तो आपको मिल ही रहा है लेकिन ग्रॉस रिटर्न कितना हुआ उसकी गणना करी जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि जो रिटर्न है उसका संबंध टाइम से भी हो सकता है कि आपको जो है रिटर्न एक वर्ष का मिल रहा है या
छः महीने का रिटर्न आपको मिल रहा है तो समय के आधार पे भी आपको रिटर्न उसमें मिल सकता है, और आपकी जो है इनकम नॉर्मल भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है कभी, और कभी कभी वैल्यू जो है चेंजेस होने से आपके रिटर्न जो है इनकम जो है आपकी वो माइनस में या प्लस में भी जा सकती है। तो इसी में क्योंकि जोखिम तत्व है इसलिए आपकी इनकम का हम श्योरिटी नहीं कह सकते, रिस्क होती है कि कितनी आपकी इनकम में परिवर्तन वेरिएबल है तो कितना उसमें चेंजेस होंगे, तो ये चेंजेस कैसे होंगे, उसकी इनकम कैसे प्लस माइनस में या नील हो सकती है, इसको हम इसके अगले वाले लेक्चर में समझेंगे। धन्यवाद।